गणपतये नमः। श्री गुरुदेव दत्त। नमस्कार मित्रों, प्रॉफिट 666 चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको कागज पर नाम लिखकर अपने दुश्मन का नाश करने के या उसे अपने जीवन में से तुरंत उखाड़ फेंकने के एक बहुत ही सरल और आसान लेकिन अत्यंत अचूक उपाय के बारे में बता रही हूँ। हालांकि मैंने इस चैनल पर बहुत सारे शत्रु नाशक या शत्रु से छुटकारा पाने के या शत्रु को वश करने के उपायों के बारे में बताया है, लेकिन इस कलियुग के अत्यंत कठिन काल में बहुत सारे लोग शत्रु, गुप्त शत्रु और दुष्ट लोगों से पीड़ित है। इसीलिए हमें हमेशा ऐसे उपायों के लिए लगातार रिक्वेस्ट आते रहते हैं। इसी वजह से मैंने इस उपाय के बारे में बताया है, जिसे तीव्रता और अटूट आत्मविश्वास के साथ किया जाएगा तो यह तुरंत काम करने लगता है। इस उपाय का प्रयोग करने की विधि इतनी सरल और आसान है कि कोई भी शत्रु से परेशान व्यक्ति आसानी से इसका उपाय करके शत्रु के पीड़ा से मुक्ति पा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इस उपाय में पानी या अग्नि, इन दोनों में से एक का इस्तेमाल किया जाता है। पानी और अग्नि, यह पंच महाभूत या पंच तत्वों में से दो तत्व है, जिनसे मानवीय शरीर समेत ब्रह्मांड की हर चीज़ रची हुई है। इसलिए इनका उपाय करना अत्यंत असरदार होता है। आगे मैंने कुछ अंक बताए हैं जिन्हें साधक को एक सफ़ेद रंग के कागज पर काले रंग के स्याही के पेन से लिखना है। इस उपाय को किसी भी दिन किसी भी समय किया जा सकता है। विशिष्ट पूजा विधि करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अंक और नाम लिखते समय साधक को अपने इष्ट देवता का स्मरण करते रहना है। यंत्र लिखने के बाद साधक को अपने इष्ट देवता का नाम लेना है और एक छोटी सी प्रार्थना बोलनी है कि हे प्रभु, मुझे इस शत्रु के पीड़ा से मुक्त कीजिए। इस शत्रु के शब्द के स्थान पर उस शत्रु का नाम लेना है और फिर उस यंत्र को पूरी तरह से जला देना है और उसकी राख को घर के बाहर फेंक देना है। या अगर आपकी इच्छा हो तो आप इस यंत्र को पानी में भी फेंक सकते हो। अब मैं आपको यंत्र कैसे बनाना है वह बता रही हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। नमूने के तौर पर मैंने सफ़ेद रंग के कागज पर काले रंग के स्याही के पेन से एक स्क्वायर निकाला है और उसके अंदर छोटे 16 स्क्वायर है और उसके अंदर कुछ अंक लिखे हैं। अंक तो मैंने हिंदी में लिखे हैं, अगर आप चाहे तो इन्हें अंग्रेज़ी में या अपने मातृभाषा में भी लिख सकते हो। अंक इस प्रकार से है, 37 7 4 9 6 9 25 42 68 62 9 8 7 5 75 और 45। और नीचे आपको शत्रु का नाम लिखना है। इस स्लाइड में मैंने आपको अंग्रेज़ी में अंक कैसे लिखने हैं वह बताया है, अगर आप चाहे तो इन्हें अंग्रेज़ी में लिख सकते हो या हिंदी में या अपनी मातृभाषा में भी लिख सकते हो। अब मैं आपको अंग्रेज़ी अंक बता रही हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। 37 7 4 9 6 9 25 42 68 62 9 8 7 5 75 45।
अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रभु सबका कल्याण करेंगे।